नमस्कार, मैं राहुल श्रॉफ, आप देख रहे हैं धार्मिक टीवी। आज हम पहुँचे हैं बर्फाना, जहाँ के कण कण में राधा हैं, जहाँ के जीव जंतु में राधा हैं, हर प्राणी में राधा है। हमारे बीच में है रमेश बाबा, जो कि बर्फाना की महिमा बताएंगे, होली की महिमा बताएंगे कि क्या महत्व है यहाँ का। देश से नहीं, होली में यहाँ तो विदेश से भी लोग आते हैं। तो आज हम जानते हैं रमेश बाबा से, जो कि यहाँ पर कृष्ण बाग है, काफ़ी फेमस बाग है यहाँ पे, तो उनसे ही जानते हैं हम क्या है यहाँ का महत्व, क्या है यहाँ का प्राचीन। तो हमारे बीच में है रमेश बाबा। रमेश बाबा, बहुत स्वागत है आपका धार्मिक टीवी में। बताइए यहाँ का क्या महत्व है, क्या है? जय जय श्री राधे। यहाँ सचमुच राधा रानी और कन्हैया जी होली खेलते हैं, सचमुच। और भोले बाबा सब देवता यहाँ होली का आनंद लेने आते हैं, सब भक्त जगताते हैं, और यहाँ रंग भी बरसता है। बसंत पंचमी से लेके तुम्हारे होली तक, लास्ट पूर्णी तक, बसंती रंग बरसता है पूरे ब्रिज में। और पूरे ब्रिज में साधु महात्मा एक एक जन कब दर्शन पा जाते हैं ठाकुर जी। और भक्त पे राधा रानी पे कृपा होती है, राधा रानी सब कृपा करती है सब भक्त। और एक तो एक चलते फिरते महात्मा कब आपको दर्शन करा दे, कौन भीष्म करा दे, पता नहीं। तो यहाँ से राधा रानी का ये कृष्ण बाग है, यहाँ से ही राधा रानी को फूल पत्ती जाती है, साधु महात्मा रहते हैं, कुंजन भजन कर रहे हैं, और अति बेटी आती है अपना भूमि के दर्शन पर मेला करके चले जाती। ये यहाँ का महात्मा है। अब रिया इसका आस पास सब सखी है, ललता, बिकासा, चंपक लता, सुदेवी, चित्रा, रंग देवी, अट सखी हैं। अट सखी तो हरदम ठाकुर जी के रास में हरदम रहती है। बच्चे कुछ ही सखी तो करोड़ों हैं, हम तम भी सब सखी हैं, जो नहीं आगे सखी भाव में रहेंगे। तो वो राधा रानी कृपा करती है सखी भावन पर, तो राधा रानी हरदम प्रसन्न रहती है। और राधा रानी जो है साधन में, वो नहीं है प्रकट मूर्ति, हाँ। और उन पर उनके पीछे तो दुनिया उन पर कृपा करती है, तो कृपा करती हैं करना मैया की। तो ममता ही अलग है, माँ जो है वो ममता से प्रेम करती है, चाहे उसका बेटा कैसा भी हो कैसा नहीं हो, सब प्रेम से ममता रखती है। तो उनका यही है कहने का, जीव मेरे शरण में और मैं तेरे पास हूँ। पर जीव अंधा हो जाता है माया के चक्कर, जब अंधा नहीं होता फिर भी राधा रानी माता पिता की ऐसी कृपा करती है, आ मेरे जीव मेरे पास, उंगली पकड़ बब सागर से पार कर। पर जीव कहता है भाई मैं खेल लूँ, तो उससे पीछे जब जीव इर्जिता जाता है तो बोलता है अरे भाई ये तो मामला, फिर भी राधा रानी बोलती है आ बेटा पार हो, लड़का हो लड़की हो सबको पार कर। यह न्याय की ब्रिज की कथा है। तो ब्रिज में पूरे में अभी एक से एक ब्रह, एक से एक साधु, एक से गौ माता, देसी जो गौ माता नहीं है, गंगा यमुना त्रिवेणी इधर से ही निकलती थी। तुम्हारा ये जो रोड है ना ऊंचे गंबा ललता सखी का, यहाँ से लेके और नंदगांव तक तुम कहीं भी बोर कर लो, अभी रेता निकलेगा। ऊंचे गांव में तीनों धारे हैं, यमुना, गंगा, त्रिवेणी, तीनों धारण में अब भी मातम इति की है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। ब्रिजवासी भक्त को जो ब्रिज में आ गया वो ब्रिज को पकड़ लो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, चारों धाम न्याय है, सब केदारनाथ बद्रीनाथ सब न्याय है। जो न्याय आ गया उसको कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं, ब्रिज धाम में केवल मन को रखो आने। जय जय श्री राम। बिल्कुल सही बात कही है रमेश बाबा ने कि चारों धाम में, ये हमने पुराणों में भी पढ़ा है, ग्रंथों में भी पढ़ा है कि जो वृंदावन धाम है वो साक्षात गोधाम बताया गया है पुराणों में भी, इसमें कोई दोहराई नहीं है। हम ये जानना चाहते हैं बाबा, जो अभी पर्व चल रहा है होली का बर्फाना में, तो इसमें क्या महत्व है, क्योंकि हमने होली तो बहुत देखी है मगर ब्रज की होली तो बहुत नसीब वालों को मिलती है, देश से ही नहीं विदेश से भी लोग यहाँ पर इस आनंद को लेने आते हैं। तो ऐसा यहाँ पे क्या है, मतलब भक्ति बोलेंगे या राधा रानी की कृपा बोलेंगे? वो राधा रानी की कृपा है, भक्ति तो सब जीव पे है ही, भक्ति का कोई नहीं, पर राधा रानी कृपा से ही आनंद जो मिलता है आप लोगों सबको, आनंद राधा रानी कृपा से। तो रमेश बाबा जी, यहाँ होली कब से शुरू हो जाती है? होली यहाँ नौमी बरसाने की, दसवीं उसकी, पूर्व ब्रिज में फैल जाए, पूरे भारत में फैल जाए पुण्य तक। अच्छा रमेश बाबा, आपसे ये जानना चाहेंगे, हमने सुना यहाँ पे लठमार भी होली होती है, तो किस तरीके से होती है, क्या होता है उसमें? थोड़ा सा होता है, यहाँ के जो हैं बरसाने वाले सब जो हैं, ये बरसाने वाले तुम्हारे सब नंदगांव में लाली भी आई है, मतलब लाली मानते हैं राधा रानी को, और वहाँ के आएंगे यहाँ खेलने होली, तो वो माई यहाँ के सभी लट देंगे, उनकी ढाल लगा लेंगे ऐसे और ढाल देंगे, लट देंगे और रंग बरसेंगे, खूब आनंद लेंगे, और फिर गारी गाएंगे ब्रिज में, और गारी गा के होली हो जाएगी, तो उससे पीछे नंदगांव वाले ढाल को साध देंगे, 10-10 माइल लग जाती है, 20-20 माइल लग जाती है, 30-30 माइल लग जाती है, तो आनंद से किसी के नहीं लगी आज तक, लगेगी नहीं, फिर लगू जाएगी तो थोड़ी मिट्टी ले लो, फिर दूरा ऐसे लगा दो, बिल्कुल सही दवाई पट्टी को जोड़ नहीं। फिर यहाँ से नंदगांव जाएंगे, नंदगांव वाले यहाँ के गोसाई सब जो बिरादरी हैं सब जाएंगे वहाँ होली खेलेंगे, वहाँ होली खेल के फिर उससे पीछे पूरे ब्रिज में होली पड़ जाएगी, पूरे भारत में चल जाएगी। तो
वो जैसा कि बाबा ने बताया है होली का यहाँ पे महत्व है। वो बाबा से ये भी जानते हैं बाबा बरसाने की क्या महिमा है, थोड़ा सा बताएं राधा रानी की। बरसाने की ये है, बरसाना ही पूरा ब्रज चौरासी को धाम है, वृंदावन बरसाने तक है। बरसाना जो है ना वृंदावन तक है, वृंदावन बिंदा सखी का है, बरसाना राजधानी राधा रानी की, मेन पूरी दुनिया की राजधानी बरसाना। जैसे पूरी भारत की दुनिया की राजधानी दिल्ली है ना, ऐसे मेन बरसाना। तो राधा रानी ब्रह्मचल पर्वत पर विराजमान है, ये जो राजधानी है ना ये ब्रह्मचल पर्वत है, उधर ऊँचे गांव जाएंगे वो सखीगिरी पर्वत है, तो सखी वहाँ अब भी राज करती है और सचमुच लीला पूरे ब्रज में अब भी होती है, सचमुच होती है। ठाकुर जी अब भी आते कैलाश को छोड़ के भोले बाबा आते लीला देंगे, सब ठाकुर जी आते हैं। अपने मन से नहीं बताया, ब्राह्मण नहीं है हमको पैसा टका कोई बात हो रही सत्संग, ठाकुर जी किस भाव में आपको दर्शन करा देंगे और पहचान भी आपके मन की बात है, पहचान नहीं पहचान। और ठाकुर जी 24 घंटा में हर जीव को दर्शन कराते हैं, राधा रानी का नहीं, हर जीव को, और हर जीव को लालन पालन करते हैं, कोई किसी नहीं करता, राधा रानी सबके ऊपर। ये बिल्कुल सही बात है रमेश बाबा ने बताई, हमने सुना भी है, पढ़ा भी है और देखा भी है, संतों से मुख से सुना भी है वृंदावन धाम का, बरसाने धाम का, कि ठाकुर जी कब किसे किस रूप में दर्शन दे दे, ये कहा नहीं जा सकता, ये तो अपने आप में एक वैकुंठ धाम है। तो रमेश बाबा हमारे भक्तों के लिए आप क्या कहना चाहोगे जो नहीं आ पाते हैं या किसी दर्शन करो, ज्यादा एक मिनट कहीं भी पूरे ब्रिज में कहीं भी एक घंटा जाप करो अपने गुरु मंत्र का, नहीं तो अपने सो जाएंगे तो भजन चल रहा था। रमेश बाबा एक सवाल और पूछना चाहूँगा, मैंने ऐसा सुना है कि बरसाना के लोग भगवान कृष्ण को चोर बोलते हैं, इसमें क्या कथा है? वो चोर नहीं है, प्रेम की लीला है। नंद बाबा के 9 लाख गाय थी और राधा रानी का 18 लाख गाय थी, फिर वो लाला चोरी करते थे प्रेम के बस, मतलब वो भूखे प्यास नहीं थे, वो प्रेम के बस की लीला करते थे, प्रेम से कब मिले ठाकुर जी से, कब राधा रानी मिले, कब सखी मिले, ये लीला चलती थी, वो चोरी नहीं करते थे, वो तो प्रेम की लीला। आज हम बताना चाहते हैं हम आए थे बरसाना कृष्ण बाग में, यहाँ पे यही है कि आप आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत से चमत्कार हैं, जैसे बाबा ने हमें बताया कि ठाकुर जी का बोल किस रूप में दर्शन दे दे। तो धार्मिक टीवी का यही प्रयास रहेगा कि जो नहीं आ पाते हैं वो सभी यहाँ पे आए, यहाँ का दर्शन करें और यहाँ का लाभ उठाए, क्योंकि हमने ग्रंथों में भी सुना है पढ़ा है कि चारों धाम यहीं पर हैं सब कुछ, जैसे बाबा ने बताया गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी सब यहीं से है और यहीं पे है, चारों धाम यहीं पे। तो धार्मिक टीवी की यही अपील है आपसे कि बरसाना जरूर आए, और बरसाना आए तो कृष्ण बाग जरूर आए और यहाँ के दर्शन करें। इनसे जानते हैं यहाँ की महिमा के बारे में क्या है, रमेश बाबा ने तो बताया है, भक्तों से भी जानते हैं कि यहाँ की महिमा के बारे में। दीपक जी बहुत स्वागत है आपका। दास दीपक की राधे राधे। और मेरी तो औकात नहीं महिमा बताने की, तो श्री जी ने सेवा दी है। और जैसा कि महिमा तो ये है कि मुझे बताया गया था कि कृष्ण बगीचा है यहाँ जाइए करें, मुझे इसकी महिमा नहीं पता था। एक दिन मैं ऐसे घूमता हुआ आया और घूमता क्या आया, मेरे को श्री जी पकड़ के लाई। एक बात तो आप पहले आप सब समझ लो, मैं आपके श्रोता को बोलना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हम यहाँ आते नहीं हैं, हमारा गोविंद हमें पकड़ के लाता है। आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हो, अपनी मर्जी से जा सकते हो, लेकिन ब्रज में वही आता है जिसको श्री जी इस पर कृपा करती है, और जिस पर श्री जी कृपा करती हैं गौ माता का प्यार मिलता है तो गोविंद उसे खींच के लाता है। और आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं, जो आप लोग जो गौ माता की सेवा करते हो, कई लोग बोलते हैं हम पालते हैं, हमारी औकात नहीं है कि हम इस प्यारी गैया को पाल सकें, ये हमें पालती है, ये गोविंद की आराध्य नहीं पूरे ब्रह्मांड की आराध्य गौ माता है। पहले तो गौ माता को समझो क्या है, ये वो हैं जिसके अंदर सारे देवी देवता विराजमान हैं, इसलिए इसके चरणों में चारों धाम है। बोलो राधे राधे। जी वाकई बहुत बड़ी बात कही है दीपक जी, जो कि भक्त यहाँ पे आए जाया करते हैं, इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि ये श्री जी की ही कृपा होती है जो यहाँ तक आ जाते हैं, बिना श्री जी की कृपा यहाँ कोई नहीं आ सकता। दीपक जी थोड़ा और आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात कही है जिससे कि आपकी बातों से और भी भक्त मोटिवेशन और यहाँ पे आए, इसका भी वो भी लाभ लें, जो आनंद आप प्राप्त कर लो वही आनंद औरों को भी मिले। देखो मैं एक बात बोलता हूँ कि ब्रज धाम की अगर रज में रजना चाहते हो ना, तो अपने ना अंदर से मैं और मेरा ख़त्म करो, मतलब अहंकार की मैं कुछ कर रहा हूँ, ये मैं कुछ करने की नहीं, ये बोलो गोविंद जो कर रहे हो आप कर रहे हो, श्री जी जो करवा रही हो आप करवा रही हो, मैं जैसा हूँ वो वैसा आपका हूँ जी। और इसकी महिमा, और अगर ब्रज से प्यार चाहते हो और यहाँ की जानना चाहते हो तो अपने आप को समर्पण कर दो जी। गोविंद को पाने के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ गिव एंड टेक अर्थात समर्पण करना है, अपने आप कर दो खुद को अर्पण गोविंद के चरणों में, गोविंद खुद ब खुद तुम्हारे अंत्यकरण में उतराएगा। और रही इसकी महिमा, तो इस महिमा यह है कि मेरे को खुद रमेश बाबा ने बताया था जब मैं पहली बार आया था कि यहाँ के ही फूल श्री जी के महल में जाते हैं चढ़ने को,
ये गैया है ये त्रिवेणी गंगा, इन्हीं का दूध श्री जी को जाता है। ये तो बहुत ही बढ़िया बात बताई है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो गौ माता हैं इन्हीं का दूध ऊपर अटारी श्री जी का मंदिर है वहाँ पे जाता है। और बाकी बहुत अच्छी बात बताई है दीपक जी ने, हम इनसे और भी जानेंगे कुछ धर्म के बारे में। तो दीपक जी बताइए थोड़ा सा, क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात बताई है, काफ़ी प्रभावित बात हुई अभी तक ये कि जिससे कि आपकी बातों से और लोगों को भी ज्ञान प्राप्त हो। क्योंकि ये बिल्कुल सच बात है कि जब तक हमारे मन से अहंकार का भाव नहीं जाएगा तो गोविंद को हम नहीं पा सकते। हमने सुना भी है कि जैसा कि अभी हमने बाबा से पूछा यहाँ की महिमा के बारे में, ब्रज की महिमा के बारे में, बर्फाना की महिमा के बारे में, वृंदावन की महिमा के बारे में, तो बाबा ने बड़े ही सुंदर भाव से यहाँ की महिमा बताई। और हो भी क्यों नहीं, हम बचपन से ही सुनते आए हैं वृंदावन के बारे में, बर्फाना के बारे में, ब्रज के बारे में कि साक्षात तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे रहे हैं, यहाँ पे पले बढ़े हैं, सारी लीला यहाँ पे करी है। और जैसे बाबा ने हमें बताया कृष्ण बाग के बारे में कि आज भी यहाँ पे ठाकुर जी श्री जी के साथ विहार करती हैं, किसी भी रूप में वो दर्शन यहाँ पे भक्तों को दे देती हैं, चाहे वो गौ माता हो, चाहे वो वृक्ष हो, चाहे वो लता पता हो, चाहे वो कुछ भी हो, कण कण में यहाँ पे श्री जी और ठाकुर जी का वास है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कृष्ण बाग के बारे में जैसा कि बाबा ने हमें बताया। ये देखिए, ये पूरा कृष्ण बाग है। बाबा ने हमें बताया कि यहाँ की लता पता में भी राधे राधे है, हर जगह कृष्ण है, राधे हैं। और जैसा कि हमने सुना है निधिवन में रात्रि में कृष्ण और श्री जी की लीला होती है, ठीक वैसे ही यहाँ पे रात्रि के समय में कृष्ण जी और श्री जी विहार करते हैं। आज भी भक्तों को दर्शन मिलते हैं यहाँ पे, जो भक्त आते हैं यहाँ पे दर्शन करते हैं, ठाकुर जी उन्हें किसी भी रूप में उनको दर्शन देते हैं। और हमारे साथ में कुछ यहाँ पे भक्त भी आए हुए हैं, उनसे जानते हैं कि ये कहाँ से आए हैं, उन्हें क्या अनुभूति हुई है। कहाँ से आए हैं आप जी? हम छत्तीसगढ़ रायपुर से आए हैं। यहाँ पे आपको कैसा लगा जैसा कि बाबा ने महिमा बताई है? जी हम बहुत ही अच्छा लगा, जीवन में पहली बार हम ऐसा अनुभूति देखने को मिला, घूमने को मिला जगह, बहुत ही आनंद आया, बहुत ही अच्छा लगा। जैसा कि आपने देखा एक भक्त हैं, इनसे हमने बात करी, इन्होंने बताया कि यहाँ पे हमें बहुत आनंद आया, एक अनुभूति हुई। और वाकई क्यों ना हो, ये दरबार है ही राधे कृष्ण का, यहाँ पे जो भी आता है उसकी अनुभूति होती है। ये साक्षात कृष्ण जी की रज है, यहाँ पे रज में कृष्ण जी हैं, यहाँ की रज की ब्रज में कृष्ण जी हैं। आप देख सकते हैं ये पूरा बाग है कृष्ण बाग, जो कि यहीं पे कृष्ण जी और राधा जी विहार करते हैं और किसी ना किसी रूप में उन्हें दर्शन जरूर देते हैं। मैं कैमरा पर्सन से बोलना चाहूँगा कि थोड़ा कृष्ण बाग की तरफ कैमरा करें ताकि हमारे भक्त देख सकें। ये पूरा जो देख रहे हो आप कृष्ण बाग है, ये बर्फाना मंदिर से जस्ट नीचे ही है। और यहाँ पे भक्त काफ़ी मात्रा में आते हैं, कृष्ण बाग के दर्शन करते हैं, यहाँ का प्रसाद लेते हैं। और यहाँ की जैसा रमेश बाबा ने हमें बताया ही है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या क्या महत्व है, जैसा कि होली का महत्व बताया है, बर्फाने का महत्व बताया है, चारों धाम का महत्व बता दिया है कि चारों धाम सब ब्रज में ही है और यहीं है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। तो मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये जो पूरा आप एरिया देख रहे हैं ये पूरा कृष्ण बाग है, ये पूरा निधिवन जैसा ही बाग है। यहाँ की आप लता पता देख सकते हैं, सब में राधे राधे, जितने प्राणी पक्षी जीव जंतु हैं सब में राधेमय है, पूरा राधेमय माहौल है यहाँ पर। और धार्मिक टीवी की यही अपील है कि आप यहाँ पर आइए, दर्शन करिए, रमेश बाबा का आशीर्वाद लीजिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए। आपको भी जैसे सब भक्तों को यहाँ पे कृष्ण बाग में आनंद की अनुभूति होती है, ऐसा विश्वास है कि आपको भी जरूर होगी।